दोस्तों, नागालैंड में 16 मेजर ट्राइब है, तो व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि साल में एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें सारे ट्राइब्स इकट्ठे एक जगह पे आते हैं एंड इसमें आके आप पूरा ट्राइब को, सारे ट्राइब को एक ही जगह पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यस, आई एम रेफरिंग टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल, और आपको पता ही चल गया है थंबनेल से। इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे नॉट जस्ट अ ट्राइब, फूड, देयर कल्चर, बट और भी बहुत कुछ। द बर्ड इज कमिंग, द एनिमल इज कमिंग, जानवर आ रहा है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, दिस इज योर होस्ट नीलोत्पल दास एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मैजिकल स्केप्स इन द मैजिकल लैंड ऑफ नागालैंड एंड अ मैजिकल फेस्टिवल कॉल हॉर्नबिल। तो बने रहिए, जबरदस्त खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि ये व्लॉग आपको हेल्प करेगा आपके फैमिली के साथ आप जो नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, तो टोटल इन्फॉर्मेशन रहेगा। एट द सेम टाइम फूड इन स्टे सब कुछ आपको इस व्लॉग में और इस सीरीज में मिलने वाला है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द एंट्री टिकट काउंटर, और आपको ऐसे एक टैग दिया जाएगा। तो आप अगर नागालैंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 रुपये का टिकट मिलेगा, अगर आप बाहर से है, किसी दूसरे स्टेट से है, तो आपको लगेगा 50 रुपये। एंड फॉर अ GoPro और DSLR कैमरा यू हैव टू पे 100 रुपीज़। अभी फिलहाल थाली खाने का तो कुछ मन है नहीं, तो आई विल प्रोबेबली ट्राई द स्टिकी राइस विद चटनी। हियर इज माई स्टिकी राइस विद बीन्स एंड जिंजर। इज इट फर्मेंटेड? नॉट फर्मेंटेड। अच्छा, सो क्वाइट अ हेल्दी स्टार्ट टू द डे। सो देखते हैं मेरे ब्रेकफास्ट में है क्या। सो द बीन्स they've been boiled with ginger and there's some bit of bamboo shoot in it. ये इंडिया में कहीं मिलेगा नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है, आसाम में भी मिलेगा। इट्स डैम स्टिकी, नो ऑयल, जस्ट बॉइल्ड। सो आई एम एट द मेन एरेना गेट, विंडो टू नागालैंड। परफॉर्म करने वाले हैं एंड आई एम वेरी ग्लेड दैट आई हैव बीन लेट इनसाइड। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत कल्चरल शो एंजॉय करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:00 PM एंड लंच वंच करके फिर आफ्टरनून को आते हैं फॉर द कल्चरल, मतलब इवनिंग कल्चरल शो। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के बैम्बू पवेलियन में, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर है क्या। तो बैम्बू पेविलियन के अंदर आपको ज़्यादातर मतलब नागा हैंडीक्राफ्ट बोथ मैन एंड फीमेल द्वारा किए गए मिलेंगे। स्टोन, स्टोन एंग्रेव, वाह,
पत्थर का है। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल में ये है कि आपको नॉट जस्ट अ बेम्बू पेविलियन, आपको ऐसे अलग अलग पॉकेट्स मिलेंगे और उन पॉकेट्स को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, आफ्टर द बेम्बू पेविलियन नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑर्गेनिक पेविलियन। सो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक पेविलियन में है क्या ऐसा। खरीद लिया है ये मिक्स फ्रूट चंक्स है एंड इट्स अ पेस्ट मिक्स फ्रूट। यहाँ पे डायरेक्ट मशरूम के बैग्स लगाए हैं एंड इज अ ऑयस्टर मशरूम्स, तो यहाँ से सीधा प्लक करके आपको पैकेट में दिए जाएंगे। सो हाउ ऑर्गेनिक एंड हाउ फ्रेश। ये जो चाय का मेन्यू है ये काफ़ी अलग है। सो द बटरफ्लाई टी and the rosel tea. I have tried the rosel tea. I have ordered for the gooseberry tea and here is the method of preparation. So it's just applying dry gooseberry in warm water. Is there anything mixed there? Nothing. So baat ye hai ki Nagaland mein aake aap normal kuch bhi test ya try karke maza nahi aate, to kuch hatke ho na to zyada maza aate hai, just like the gooseberry tea. Is bar koi pavilion nahi, koi pocket nahi, koi stall nahi, सीधा विंडो में। सो नागालैंड दोस्तों इज इनहेबिटेड बाय 16 मेजर ट्राइब्स एंड उनमें से कुछ ट्राइब्स का यहाँ पे मुरुंग लगता है। सो मुरुंग अगर सिंपल टर्म में बताया जाए तो इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अड्डा, इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर एंड सी कि मुरुंग एक्चुअली देखते कैसे है। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे कुकी का मुरुंग। सो दीज आर द स्कल्स ऑफ, तो ये मिथुन, ये डियर है और वो जंगली सुअर का ये जॉ है, जॉ। सो दिस इज द फायर प्लेस, ये फायर प्लेस है लाइक नॉर्मल जैसा। सो यहाँ पे खाना बनते हैं तो ऊपर स्मोक होता है। राइस यहाँ पे रखते हैं क्या? इफ यू ड्राई इट अप प्रॉपर्ली देन यू कैन have a full grain. And this is how we put our firewood so that firewood. It gets dried, no? Yeah. And these are what? Oh, banduk. Yeah. Nice one, no? Nice one. So I'm going to pull the trigger. Should I or should I not? The bird is coming. The animal is coming. Janwar aa raha hai. If you bang it, the sound is different. And this is what? For beer. Yeah. And is this a musical instrument or? Yeah, of course this is. अगर आपको देखना है कुकी का एक्चुअल जगह पे जाके तो पेरन डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा आपको, है ना? या फिर आप हॉर्नबिल फेस्टिवल में आ जाइए, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो अभी हमने एक्सप्लोर कर लिया ये कुकी का मुरुंग, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। भी एक्सप्लोर करने आए हैं लोथा मुरुंग, तो चलिए देखते हैं लोथा में है क्या। सो दीज आर यूज्ड बाय वॉरियर्स, नो? या दीज आर ड्यूरिंग द वॉर वी यूज्ड टू, दिस इज योर शील्ड? या यस, दीज आर शील्ड। नाइस, अ सिग्निफिकेंट ऑफ दिस द बूब्स? यस यस। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज दिस। इन एवरी विजिटर्स ना दे यूज्ड टू आस्क रिगार्डिंग दिस, ओके, बट द मीनिंग एज पर आवर लोथास कस्टमर इज लूज। The meaning of this is पहले के जमाने में ड्यूरिंग द वॉर मर्द सर काट के लाते थे, द हेड हंटिंग, एंड वीमेन बूब्स काट के लाते थे, इसलिए द बूब्स आर इन डिस्प्ले। एंड दिस इज फॉर राइस पाउंडिंग, दिस इज राइट फॉर जस्ट अप डाउन, अप डाउन, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला, अनबिलीवेबल, यू नो,
नागालैंड में हमेशा हम लोग सोचते हैं हेड हंटर्स के बारे में एंड दिस इज इट. व्हाट इज दिस? स्टिकी राइस. सो आई विल टेक वन. या स्टिकी राइस. नाइस, वेरी नाइस. सो दोस्तों, अभी मैं फिलहाल हूँ फूड कोर्ट में एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड केनी क्रिस्टोफर. इन फॉर नाउ ही इज गोना टेक मी टू एंजॉय सम लोकल डेलीगेसी. पता नहीं क्या खिलाएंगे यार. मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा. Fish with tomato. Smoked fish with tomato. Yeah. So this is the intestine. Intestine ka raha hu animal ka. How is it? Really good. This is good. Crunchy food. First time intestine ka raha hu. Like normal meat. Yeah, so you smoke the fish first, and when it is ready to be cooked, water, we have the bujalukia, a little bit of fermented pork, and then they'll have tomatoes, ginger, garlic, garlic, not even onion, yeah, chilies, okay, yeah, and that is it, you're ready to go. तो अभी फिलहाल हम हैं चकासंग मोरंग में. या आई एम चकासंग. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मिथुन, यू नो, आई मीन द हेड ऑफ अ मिथुन. सो मिथुन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एनिमल इन आवर कॉन्टेक्स्ट. इट इज आल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ नागालैंड. सो दिस मिथुन सिग्निफाइज विगर एंड वाइटलिटी एंड यू हैव द एक्चुअल स्कल ओवर देयर. या दिस इज द एक्चुअल स्कल ऑफ मिथुन. नो यस. ओके. These are getting smoked. Yeah. Bujalukia. And this is like very old one. Yeah, these are all smoked. Very old. So now we are going to which morong? Angami morong. Okay. So if you don't know what hornet is, so just have a look at this. This insect. This two eyes. This is its pank. And its other version is this. So I'm going to try it. How is this going to taste? Yeah. It's like fish. Ah, okay, fish. Okay, yes, okay. Yes, it's like fish. It's nice, right? It is nice. Really nice. जिंदगी में पहली बार इंसेक्ट खाया हूँ एंड वो भी अंगाई मोरंग में. It's nice. And this is what? This is Modi. Modi. Means? Not Narendra Modi. Yeah. So Modi, basically we cook it with the blood. Okay. So mithun, pork. The piece is usually big, so that's why we call it modi. Modi. More literally means meat, di means big. So the pieces are usually big. So this is one actual piece. So this is the blood. Yeah. Blood of animal. We cook with blood of animal. Oh yeah, this is the raincoat. Okay, natural raincoat. Yeah. So दोस्तों हम लोग use करते हैं plastic का raincoat. यहाँ देखिए natural raincoat. So अंदर से पहनते हैं, ऊपर गले में ये है, तो बारिश गिरता है तो यहाँ बाहर से निकल जाते हैं. तो है ना sustainable living. So this is the pork basically. So during wedding, what we do is we take this portion of meat from the neck till the, you know, the tail. Yeah. So this, you know, signifies or this indicates the size of pig that you slaughtered during, you know, your daughter's marriage or your son's marriage. Okay. It's all right. You got it. It's inside.
तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मैंने पूरा कोशिश किया सुबह से लेकर शाम तक जितना हो सकता है पूरा कवर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया, मज़ेदार चीज़ें ट्राई किए। सो अगर बहुत अच्छा लगा है कंटेंट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक लाइक तो बनते हैं ना। इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, राइड करके आया हूँ आप ही के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, ताकि अगले साल आप अगर हॉर्नबिल आना चाहे या फिर हॉर्नबिल के बारे में जानना चाहते फेस्टिवल के बारे में तो कोई कमी ना रहे। एंड दोस्तों नोटिफिकेशन वाला बटन दबा कर रखिए क्योंकि मज़ेदार कंटेंट बन रहे हैं। सी यू एट द नेक्स्ट ब्लॉग।